अब आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ GTT क्या होता है। अभी मैं फर्स्ट गियर में है तो मैं एक्सेलेटर छोड़ देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो अपने आप बाइक चल रही है। नाउ अब मैं सेकंड गियर में शिफ्ट करता हूँ। सो स्लो आई नीड टू रिलीज़ द क्लच। धीरे से आप क्लच रिलीज़ करोगे तो अपने आप 17-18 की स्पीड पे चलेगा। एंड मैं अभी एक्सेलेटर छोड़ देता हूँ, गियर शिफ्ट करता हूँ, धीरे से क्लच रिलीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो आराम से बाइक चल रही है। तो ये है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। ये आपको सिटी में बहुत काम आएगी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप बाइक को चलाओगे ना वो टाइम पे दिस इज़ वेरी यूजफुल। एंड ये जो GTT है ये आप अर्बन एंड रेन मोड में यूज़ कर सकते हो। बाकी जो दूसरे मोड है स्पोर्ट्स एंड ट्रैक में आप फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं फोर्थ गियर शिफ्ट कर देता हूँ तो फोर्थ गियर में आप देख सकते हैं 24, 25, 26 की स्पीड तक आराम से चलती है। फिर मैं शिफ्ट करता हूँ फिफ्थ गियर पे तो बाइक आराम से चल रही है। तो जैसे ही मैं दूसरा गियर शिफ्ट करता हूँ इसका RPM थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो मैं अभी इसका एक्सेलेटर हटा देता हूँ, हाथ हटा लिया मैंने तो आराम से चल रही है ट्रैफिक में। अब थोड़ा स्पीड लेना है तो हम टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली आप टर्न कर सकते हो। अभी एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जब आप अर्बन एंड जो रेन मोड में रहते हो ना वो टाइम पे आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गियर में जो टॉप स्पीड मिलती है ना वो थोड़ा कम रहेगी। तो अगर मैं थर्ड गियर की टॉप स्पीड की बात करूँ अर्बन एंड रेन मोड में तो आपको 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ ट्रैक एंड स्पोर्ट्स मोड की तो आपको 105, 110 की स्पीड मिल जाएगी। अभी आपको मैं अगर खींच के दिखाता हूँ तो अभी आप देखो 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये जो रेव लिमिटर है वो हिट कर देता है। आप देखेंगे तो मैं बाइक का थ्रॉटल नहीं पुश कर रहा हूँ, थ्रॉटल मैं नहीं खींच रहा हूँ, फिर बाइक आराम से चल रही है। मैं सेकंड गियर में शिफ्ट करता हूँ तो स्लो आप जैसे क्लच रिलीज करोगे अपने आप बाइक सामने चली जाएगी। अर्बन मोड में आपको टॉप स्पीड मिलेगी 125 किलोमीटर पर आवर की। एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसका स्पीड्स को लेके, स्पीड आपको 0 से लेकर 46 की स्पीड सिर्फ एंड सिर्फ 2 सेकंड में मिल जाएगी। एंड 0 to 60 आपको 2.93 सेकंड में ये बाइक रीच कर लेती है। 0 to 100 आपको ये बाइक टाइम लेती है 7.17 सेकंड का। तो बहुत ही अच्छी स्पीड है। सो दैट्स ऑल गाइज, इस बाइक के बारे में मुझे इतना ही बताना था। और कुछ अगर आपको जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली भी पिंग कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट दैट कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।